सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल सुनपर 24 को। सबसे पहले लेटेस्ट खबरें देखने के लिए बेल आइकन को दबाइए। खरखोदा हलके के चिनोली गांव के युवा किसान नेता अभिमन्यु कुहाड़ के प्रयासों से 27 सितंबर को शहीद आजम भगत सिंह के जन्म दिवस पर कथुरा गांव में बरोदा हलके के 54 गांव की किसान महापंचायत हुई थी, जिसमें हर पार्टी के प्रतिनिधि को आमंत्रित किया गया था और हर पार्टी के प्रतिनिधि वहां पहुंचे, लेकिन भाजपा का कोई प्रतिनिधि नहीं पहुंचा। फिर उस महापंचायत में ये फैसला लिया गया कि जो किसानों के मंच पर किसानों से बात करने नहीं आता, उसको किसान अपनी वोट के लायक नहीं समझते। इसी संदर्भ में किसानों के बीच जाकर लोगों से पंचायत के फैसले पर भाजपा के खिलाफ डोर टू डोर अभियान चला रहे हैं और 3 कृषि कानून, किसानों की मौत के फरमान, पुस्तिका भेंट कर लोगों को जागरूक कर रहे हैं। 3 नवंबर को किसान बनकर किसानों के मुद्दे पर वोट डालने की अपील भी कर रहे हैं। दूसरी तरफ 3 अध्यादेशों के विरुद्ध सिसाना फुलगढ़ के अंकित दहिया ने गांव सिसाना में किसान आंदोलन चलाने और शांतिपूर्व धरना प्रदर्शन करने में अहम भूमिका निभाई थी। अब अभिमन्यु कुहाड़ और अंकित दहिया एक साथ मिलकर बरोदा हलके के 54 गांव में पहले प्रत्येक गांव में पंचायत और फिर भाजपा के खिलाफ वोट डालने के लिए हर घर में डोर टू डोर अभियान चला रहे हैं। अंकित दहिया ने पंचायतों के माध्यम से अपील कर रहे हैं कि जात पात में ना बटकर किसान बनकर भाजपा के खिलाफ 100% मतदान करें। पूरे हरियाणा के किसान बरोदा हलके से ये उम्मीद किए हुए हैं कि बरोदा हलके की जनता भाजपा से बदला लेगी। सोनीपत 24 के लिए सोमपाल सैनी की रिपोर्ट। कहीं ना कहीं ये भाई ये तुम बंद कमरे में इंटरव्यू मत दो, जमींदारों के बीच में आकर बात करो, जो जमींदारों के सवाल है उनका जवाब दो। तुम हमने नहीं बताओ कि एमएसपी खत्म होगा तो किसान माला माल क्यों करा होगा? किसान तो बर्बाद हो जाएगा एमएसपी खत्म होने के बाद, मंडी खत्म होने के बाद किसान तो मारे जाओगा तो किसान माला माल क्यों करा होगा? तुम ये इस बात का जवाब किसानों के बीच में आकर दो। जब 27 वाली पंचायत थी जी, अमरजीत भाई, प्रवीण भाई, ये सारे भाई अपने सहयोगी थे पूरे, हमने हर पार्टी आए मन से न्योता दिया कि जमींदार के बीच में आओ, जमींदार सवाल पूछेंगे जवाब दियो। भाजपा ने न्योता दिया जी, पश्चात है जो चुनाव ने न्योता दिया, इनका एक सांसद भूत बड़गोला संजय भाटिया उसने न्योता दिया, और बड़गोला क्या थी, दोनों चीजें भी ज्यादा शायद थे। एक अपने जमींदार को फोन मिला लिया और फोन मिला के बोला, बोला भाई इसका नाम बता दिया जी, मेरा नाम भी है अंग्रेजी में नाम है जी, द फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स एग्रीमेंट ऑर्डिनेंस 2020। जो हमारे विषय जो जमींदार के बालक जो थोड़े बहुत पढ़े लिख गए, हमारे 15 दिन में याद हो रहा था जी। तो जो एक कति जो जमींदार जी जो पढ़े लिखा नहीं, वो क्यों याद कर लेगा जी? इसने जब वो नाम नहीं बता पाया तो बीजेपी का सांसद फोन करके बोला, प्रथम तो विपक्ष के दलाल हो, तुम तो विपक्षी एजेंट हो, देखो बात कहने ला गए हमने। और अब जब उन्हें कह रहा था अपनी खुद की वीडियो बनाकर फेसबुक पर डाल के, और मतलब मजाक उड़ावा था एक तरीके से। फिर जब हम 20-22 बार इकट्ठे हो गए, जब हम गए संजय भाटिया घर के बाहर, भाटिया साहब लिख लो बाहर, आप तो बहस करने आए हैं, आप इन कानूनों के फायदे गिनवाओगे, हम नुकसान गिनवाओगे, और 3-4 एक मीडिया वाले हैं ये भाई देखेंगे, पूरे हरियाणा में दिखाओगे, या हरियाणा वाले मानस आपकी बात पर सहमत हो जाए पत्र भेजा आ जाओ जी, कोने आए, ओम प्रकाश धनखड़ को पत्र भेजा कोने आए, जेपी दलाल को पत्र भेजा कोने आए, मतलब अपने अपने मनसा में बैठ के इनके खूब फायदे गिनवा लेंगे, खूब गाड़ी बजवा कर अपने जयराम जी की करेंगे। भाई जमींदारों के बीच में आओ ने, उन्हें बात करो, उन्हें देखेंगे कि सही है कि गलत है। मेरा अपनी समस्या है जी, तो देखो आखिर में मैं एक निवेदन यो करूंगा जी, राजनीतिक पार्टी चाहे कोई भी हो, वो एक बात का डर है, कदे चुनाव में ना आ वो ना डरते, एक क्या एक है मारे आप पर के हजार मरो, हजार कटो, हजार जीरो, किसी का कोई फर्क नहीं पड़ता। ये क्या भाषा समझे है, चुनाव में हार या चुनाव में जीत, इन पूरे बरोदा हलके के पास मौका है कि पूरे हरियाणा के किसानों को बचाने का।
हम जिन्हों तक किसी पार्टी के समर्थक ना किसी पार्टी के विरोधी हमने कोई लेना देना नहीं है किसी पार्टी का। लेकिन हम एक बात कह रहे हैं जी, हम एक बात कह रहे हैं जी, जो बीजेपी पार्टी इतनी हिम्मत नहीं रखती कि भाई किसाना की पंचायत में किसाना के सवाल सुने, जो किसाना ने इस लायक नहीं समझती, क्या वो पार्टी हमारी वोट के लायक है क्या? आप खुद बताओ, सारे बता दो जी, वो पार्टी हमारी वोट के लायक है कि जो जमींदार ने मारने लग रही, जो जमींदार खातर फैसी का फंदा बनाने लग रही, वो पार्टी हमारी वोट के लायक है कि? तो ये क्या बात कह रहे हैं? आज जोड़ के निवेदन है, इस बड़ौदा चुनाव में एक मौका है पूरी हरियाणा ने बचाने का। बीजेपी आया गवर्नी वाले सुथरी धारा टूट गया, ठीक है जी, आंख हो जाएगी इनके, अरे सुथरी डाल रगड़ती है बीजेपी वाले, तो जो संदेश पूरे हरियाणा में जाओगा कि बरोदे वाला चुनाव किसानों ने हराया है, किसानों ने भाजपा को हराया है। जो मानस कुछ दिन पहला थी जमींदार अगर लाठी मरवा लग रहे थे, आज वे अपने न्यूकर करके वोट मांगते आते हैं, या किसानों की ताकत से जोड़ी फिलवाती है दो महीने में, और जय को और सही से बना दिए, ठीक से बना दिए, अरे बढ़िया त्रिया रगड़ दिए, तो ये जी पाया में भी पड़ा गया, ये भाजपा चुके चुनावी नाके भी लड़ने हैं। अरे एक बात ध्यान रखियो, जब गलती थे ये जीत गए भाजपा वाले, ते दुष्प्रचार न्यू करेंगे पूरे प्रदेश में कि भाई किसान तो हमारी गलिया है, जय की जीतते हैं, दुष्प्रचार करेंगे, ये जीतेंगे जात पात को मुद्दा बनाकर, अगर अगर जीतना है तो जात पात के मुद्दे पर इनकी राजनीति चल रहा है, लेकिन ये दुष्प्रचार क्यों करेंगे, अगले किसान ने जितवा दिए, और ये आंदोलन में बहुत बड़ा नुकसान होगा, जो पूरे किसान आंदोलन के साथ उठा होगा। देखो पंजाब वाले क्यों इकट्ठे हो रहे हैं, पंजाब वाले ने कानून बनवा लिया ना कि पंजाब में जो एक भी दाना गेहूं का, एक भी दाना चीनी का, जो एमएसपी तक घाट खरीदा किसी ने, तो वो 3 साल की जेल। दूसरे जब पंजाब वाले बनवा सके तो आप नहीं बनवा सकते, अगर किए गए गुजरे हो लिए भाई किसान बन जाओ, किसान बनकर वोट करो, असल में नुकसान क्या हुआ है जी।